वेलकम दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट वन जिसने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो ये पार्ट टू है, पार्ट टू में मैं यहाँ पर पेंटिंग को फिनिश करने वाला हूँ। तो बहुत ही जल्दी मैं वाटर कलर का एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जहाँ की बिगिनिंग से पूरा एंड तक कैसे वाटर कलर करते हैं वो मैं सिखाऊँगा पूरा। तो यहाँ पर मैं फ्लावर वाला पार्ट को कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस फोटो में कि जहाँ जहाँ पर हाईलाइट है तो वहाँ पर मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर पेपर वाइट ही छोड़ रहा हूँ। हालांकि पेपर वाइट नहीं है, ये पहले से एक वॉश दिया गया है पहले वाला वीडियो में देखे हैं तो उसके बाद मैं सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, उसके बाद लेयर बाई लेयर काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं, तो वो भी बताऊंगा मैं वाटर कलर के सीरीज में ही। बेसिकली तीन टाइप की ब्रश होते हैं, तो एक राउंड ब्रश, एक फ्लैट ब्रश और एक रिगर ब्रश, तो उससे ही काम बन जाता है। और एक आता है चाइनीज़ ब्रश, उससे आप एक ही टाइम पर पूरा पेंटिंग भी ख़त्म कर सकते हैं उस चाइनीज़ ब्रश से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं पेंट को अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद पानी लेके उसको मर्ज कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से काम किया जा रहा है।
तो आई वाला पार्ट को आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट वगैरह छोड़ने पड़ेंगे। तो ये पार्ट थोड़ा सा आपको आराम से ध्यान से करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, तो वहाँ पर मैं पेंट को अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद पानी से उसको मर्ज कर दे रहा हूँ। तो यही वाला प्रोसेस बार बार रिपीट होगा इस वाले पेंटिंग में। Thank you.
तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को दे रहा हूँ, आप रेफरेंस में देख सकते हो कि जैसा है वैसा ना भी दो तब भी चलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा बहुत जितना आप न्यूट्रल लग सकते हो उतना अच्छा है। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा बताना कमेंट पे, और कुछ भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं कुछ भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट मेरे वाटर कलर सीरीज में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।